रुद्रप्रयाग जिले के बधाणी ताल में बैसाखी के पर्व पर आयोजित दो दिवसीय मेले का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत सी घोषणाएं की, जिस पर क्षेत्र की जनता ने उनका आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान रुद्रप्रयाग विधानसभा से विधायक भरत सिंह चौधरी ने सीएम धामी से रुद्रप्रयाग सीट से चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे विधायक रहे ना रहे, लेकिन धामी को 15 साल तक सीएम की कुर्सी पर रहना चाहिए, इसीलिए वे चाहते हैं कि सीएम धामी रुद्रप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़े। यह जिले की जनता के लिए भी किसी सौगात से कम नहीं होगा। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के बधाणीताल में हर वर्ष बैसाखी के पर्व पर दो दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले दो सालों से कोरोना महामारी के कारण मेला नहीं हो पाया। इस बार मेला समिति ने मेले को भव्य रूप देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आमंत्रित किया। सीएम धामी ने मेले में आने को लेकर हामी भरी और वे मेले के शुभारंभ अवसर पर भी पहुंचे। साथ ही विधायक भरत सिंह चौधरी एवं मेला संयोजक महावीर सिंह पवार ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। ऑल वेदर परियोजना का लाभ प्रदेशवासियों के साथ ही देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के साथ ही पर्यटकों को मिलेगा। इस अवसर पर सीएम धामी ने बरसीर बधाड़ी मोटरमार्ग को हॉटमिक्स करने, रायंका भीरी का नाम शहीद मुरलीधर सेमवाल के नाम से रखने, ब्यूंग कुरछोला मोटरमार्ग की स्वीकृति व अन्य ही घोषणा के साथ बधाड़ीताल में पर्यटक आवास गृह बनाने की घोषणा की। ये स्थान हमारा बड़ा ही जो है एक ऐतिहासिक स्थान है, इसको आगे पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी बनाया जाएगा, साथ में जो एक हमारा मोटर मार्ग है, यहाँ पर लगभग 29 किलोमीटर का मोटर मार्ग बरसीर बधाड़ी मोटर मार्ग को इसको भी हॉटमिक्स के बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी ने उपस्थित जनता के सामने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने यह कहा कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सैनिक स्कूल को देहरादून में शिफ्ट किया जा रहा है, वे सिर्फ जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। जल्द ही दिगधार में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। भाववाला में सैनिक स्कूल, उसका इस सैनिक स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार ने 21 जो नए सैनिक स्कूल PPP मोड में शुरू करने की बात की है, इस सैनिक स्कूल से उसका कोई वास्ता नहीं है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिल करके आए हैं और राजनाथ सिंह जी ने उनको आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार भी इसमें मदद करेगी। 265 करोड़ का जो DPR है वो उत्तराखंड पेयजल निगम ने जो है तैयार किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हम काम उसमें शुरू कराएंगे। हमारा जो सैनिक स्कूल का निर्माण बंद पड़ा हुआ था, हमने मांग की थी कि वहाँ पे यहाँ पे घोषणा करते माननीय मुख्यमंत्री जी कि उसे खुलवाने का, कि सैनिक स्कूल थातीबड़मा में तुरंत सुचारू रूप से पूर्व की भांति खुल जाए। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।